हे गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक सरकारी परीक्षा कैसे हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे उम्मीद करती हूँ है ना उम्मीद ही कर सकते हैं हम यहाँ से अब ऑफलाइन क्लास होती तो पूछ लेते भाई कैसे हो है ना और आप लोग बता भी देते तो भाई अच्छे हो है ना आशा करते हैं बहुत ही अच्छे हो एकदम स्वस्थ होके है ना चले और अपनी पढ़ाई में अच्छे तरीके से लगे होंगे तो गाइस यहाँ पे हम क्लास को स्टार्ट करते हैं आप सभी को पता है मेरी डेली होती है मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की क्लास है ना तो आज भी हमारी करंट अफेयर्स की क्लास है तो हम शुरू करते हैं एक प्यारे से गुड मॉर्निंग थॉट के साथ आप लोग क्या करेंगे जल्दी जल्दी सभी लाइव आएंगे और क्लास को शेयर करते जाएंगे ठीक है लाइव आना क्लास को लाइक और शेयर करते जाना और जो भी प्लेटफॉर्म पे नए हैं सब्सक्राइब करते जाना ठीक है ये छोटे छोटे काम आपके होते हैं वो आप लोग कर 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 लिया करो ठीक और एक बार क्लियर कर दो अप देना कि ऑडियो वीडियो सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं है ना ऑडियो वीडियो सब ठीक चल रहा है कि नहीं एक बार थम भी कर देना चले ओके तो देखते हैं गाइस हम प्यारा सा हमारा गुड मॉर्निंग थॉट क्या है लाखों किलोमीटर की यात्रा एक कदम से ही शुरू हो जाती है है ना लाखों किलोमीटर की यात्रा एक कदम से ही शुरू हो जाती चाहे कितना भी चलना हो भाई है ना कुछ भी करना हो लेकिन एक कदम तो पहले बढ़ाना ही पड़ेगा जब हम एक कदम बढ़ाएंगे तभी तो आगे चल के और कदम बढ़ाएंगे ना तो छोटा सा है हमारा गुड मॉर्निंग थॉट लेकिन है बहुत ही प्यारा है ना है बहुत ही प्यारा चलिए तो इसी के साथ हम क्लास को शुरू करते हैं भाई ओके तो आज है तेईस मई ठीक है आज है ट्वेंटी थ्री मई है ना और हमारी क्लास रोज सुबह होती है सात बजे ठीक है तो आज है ट्वेंटी थ्री मे आज हम ट्वेंटी थ्री मे का करंट अफेयर कवर करेंगे ओके तो ध्यान देंगे यहाँ पे और लास्ट में स्टैटिक जीके भी हम यहाँ पे कवर करेंगे तो आप लोग लास्ट तक बने रहे और डेली चलती है मेरी करंट अफेयर की क्लास आप लोगों को पता ही है ठीक है चले कोई भी एग्जाम हो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है मेरी क्लास ठीक है तो जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाएंगे और एक बार हम कर देंगे ऑडियो वीडियो सब ठीक चल रहा है कि नहीं एक बार आपकी क्लास को लाइव कर ले रहे हैं है ना एक बार ताकि मैं भी चेक कर लूँ आवाज़ वगैरह सब ठीक जा रही है कि नहीं अगर नेट ऑन ना करो ना मैं जैसे मैं फ़ोन का नेट ऑन करना भूल गई हूँ अभी जस्ट मैंने किया है नेट ऑन तो ये मान लो कि फ़ोन दस मिनट तक तो हैंग ही होना है, है ना चलो एक दो मिनट लगता है उसको हैंग होने में हैंग होने के बाद बेचारा बड़ी मुश्किल से अपनी कंडीशन सुधारता है है ना क्योंकि जैसे ही नेट ऑन करते हैं वैसे ही क्या आता है बहुत सारे नोटिफिकेशनस आते हैं यूट्यूब वगैरह के चले तो गाइस हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम बिना देरी किए हुए ओके गुड मॉर्निंग चले कृष्णा पंडित राधे राधे कृष्णा पंडित राधे राधे गुड मॉर्निंग ठीक है चली ओके सब कुछ ठीक चली रहा है ऑडियो है ना तो हम शुरू करते हैं क्लास को फर्स्ट क्वेश्चन है किस शहर ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 ठीक है राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 की सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय ठीक है, है? यानी यूएल श्रेणी में पहली रैंक हासिल की है समझ में आ रहा है ये कह रहा है कि भैया किस शहर ने है ना सर्वश्रेष्ठ जो है सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय की श्रेणी में क्या की है फर्स्ट रैंक हासिल की है किस में राष्ट्रीय जल पुरस्कार में ठीक है ये आंसर करना है ओके अरविंद गुड मॉर्निंग अरविंद वेरी गुड मॉर्निंग चलो सेवा जोहार मैम अच्छा मैं अरविंद समझी नहीं सेवा जोहार का मतलब क्या है है ना मुझे बताओ तो सेवा जोहार का मतलब क्या है गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सावित्री वेरी गुड मॉर्निंग चलिए तो यहां पर कृष्ण पंडित कह रहे हैं चंडीगढ़ है, है ना चंडीगढ़ आंसर आ रहा है ठीक है यूएल आपका जो है अर्बन लोकल बॉडीज ठीक है अर्बन लोकल बॉडीज की बात हो रही है मतलब जो शहरी स्थानीय निकाय होते हैं उनकी बात हो रही है ठीक है चलिए ओके तो देखते हैं यहाँ पे आंसर हमारा बिल्कुल सही है चंडीगढ़ ही होगा क्या होगा चंडीगढ़ ना छोरे गाना सुना है ना चंडीगढ़ ना छोरे यो असर हुआ सा तेरा है ना माने तू ही तू बस दिख दिखे और जब नाम में तेरा, है ना बड़ा ही फेमस गाना है वो बहुत चला था चलो तो भाई चंडीगढ़ है ना चंडीगढ़ को मिल गया है यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय श्रेणी में पहली रैंक मिल गई है तो ये चीज बहुत अच्छे से याद रखनी है चंडीगढ़ के बारे में आपको पता ही होगा क्या चंडीगढ़ हरियाणा हरियाणा इनकी कैपिटल क्या है है ना इनकी ठीक है तो इनकी चलिए सॉरी पंजाब और हरियाणा की कैपिटल क्या है चंडीगढ़ है है ना पंजाब और हरियाणा की कैपिटल क्या है चंडीगढ़ है ये तो आपको पता ही होगा चलिए देखते हैं हम यहाँ पर थोड़ा सा देखो जल शक्ति विभाग जल संसाधन विभाग नदी विभाग और गंगा संरक्षण मंत्रालय ने नगर निगम चंडीगढ़ को ठीक है नगर निगम चंडीगढ़ को वही शहरी स्थानीय निकाय की बात हो रही है ना नगर निगम शहरी स्थानीय निकाय एक ही बात है ठीक है राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय की श्रेणी में प्रथम स्थान दिया है ठीक है और ध्यान रखना एक चीज याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है क्योंकि ये जो जल संरक्षण पुरस्कार हैं ये जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार है ये इंपॉर्टेंट होते हैं यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं ये पहली बार हाँ थोड़ा सा यहाँ ये ध्यान रख लो ये कब से देना शुरू किए गए थे है ना कब से देना शुरू किए गए थे या हम कहें इन पुरस्कारों की स्थापना कब हुई थी है ना तो ध्यान रखेंगे 2018 से ठीक है 2018 से आपका जल शक, जल शक्ति मंत्रालय ठीक है थीके? जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी कब से 2018 से ठीक है ये चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है चलिए और कुछ देख ले रहे हैं कुछ और भी यहाँ पुरस्कार मिले हुए हैं चलो है ना और भी यहाँ कुछ पुरस्कार मिले हुए हैं जल शक्ति मंत्रालय ठीक है और यहाँ पे चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार तो ये कौन से नंबर के हैं ये भी चीज़ याद रखनी चौथे नंबर के जो है राष्ट्रीय जल पुरस्कार है ठीक है याद रखेंगे ओके अब यहाँ पे ध्यान देंगे जल संसाधन संरक्षण प्रबंधन क्षेत्र में ठीक है जल संसाधन संरक्षण और प्रबंधन के क्षेत्र में राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 की सर्वश्रेष्ठ एनजीओ श्रेणी किसमें भाई एनजीओ ठीक है एनजीओ एनजीओ श्रेणी में किस भी पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है ठीक है मतलब इससे पहले ये पुरस्कार एनजीओ श्रेणी में नहीं दिया जाता था अब दिया जाता है तो यहाँ पे पॉइंट क्या नोट करना है की जो जल शक्ति पुरस्कार हैं ये अब क्या है एन श्रेणी में भी दिए जाएंगे ठीक है ये पॉइंट याद रखेंगे स्टेटमेंट में आपको दे सकता है एग्जामिनर चलो मध्य प्रदेश ने सर्वश्रेष्ठ अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमपी ने क्या है सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया है ठीक है तो हमने पीछे देखा जो सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय में चंडीगढ़ था लेकिन सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में हम देखें तो कौन है आपका मध्य प्रदेश है तो याद रखेंगे उसके बाद उड़ीसा आता है सेकंड नंबर पे राज्यों की श्रेणी में है ना दूसरे स्थान पर उड़ीसा है और तीसरे स्थान पर कौन है आंध्रा चौथे बिहार है ठीक है तो ये मतलब फर्स्ट और सेकंड याद रख लेंगे बस एम और उड़ीसा बस बात खत्म ठीक है ओके चलिए चलते हैं आगे एक मिनट भाई क्या बीमारी क्या बीमारी क्या, क्या लग रही है तुमको बीमारी चलो देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन है ना गुड मॉर्निंग देवेंद्र वेरी गुड मॉर्निंग चले गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ओके वैसे ही आदिवासी में सेवा जोहर बोलते हैं तो कुछ मतलब भी होता होगा अरविंद इसका है ना कुछ मतलब सेवा जोहर कुछ मतलब प्रणाम वगैरह क्या मतलब होता है इसका है ना बताओ सही अमरेंद्र वेरी गुड मॉर्निंग अमरेंद्र वेरी गुड मॉर्निंग डियर क्लास को शेयर करते जाओ है ना क्लास को लाइक और शेयर लाइक और शेयर मई दो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महात्मा गांधी की आवक्ष प्रतिमा ठीक है का अनावरण किया गया है कुल मिला महात्मा गांधी की जो है प्रतिमा का अनावरण किया गया है है ना अनावरण मतलब उसका उद्घाटन वो स्थापित की गई है किसके द्वारा नरेंद्र मोदी के द्वारा ठीक है तो भाई ये पूछा जा रहा है यहाँ पर कि कहाँ पर किया गया है ना तो तो यहाँ तो पूछा जा रहा है, है, है कहाँ पर किया गया है देखते हैं मेरी क्लास में कौन बताता है ठीक है चलिए तो आंसर करेंगे कहाँ पर किया गया है महात्मा गांधी की जो प्रतिमा है उसका अनावरण चले तो ये देख दे, दे, ध्यान रखेंगे ये कहाँ पर किया गया है भाई देखो ये किया गया है आपका हिरोशिमा जापान में है ना कहाँ किया गया है हिरोशिमा जापान में किया गया है तो याद रखेंगे ऑप्शन हमारा बी होगा अब हिरोशिमा से कुछ याद आ रहा है आपको पता है गांधी जी किसके अशांति जो शांति के प्रेमी थे है ना अहिंसा अहिंसा चाहते थे तो भाई हिरोशिमा में क्या हुआ था हिंसा हुई थी किस लिए अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था कहाँ कहाँ हिरोशिमा और नागासाकी ये तो पढ़ते हैं ना है ना चले उसी के उपलक्ष्य में स्थापित की गई ध्यान रखेंगे तो गैस यहाँ पे ध्यान देंगे देखो हिरोशिमा ठीक है हिरोशिमा में बम कब गिराया गया था है ना और नागासाकी ठीक है नागासाकी में बम कब गिराया गया था ये दो स्थान थे जापान के जहाँ पे बम गिराया गया था तो याद रखेंगे यहाँ पे क्या हिरोशिमा में परमाणु बम गिराया गया था कब 6 अगस्त को हिरोशिमा की बात करें तो भाई 6 अगस्त है ना 6 अगस्त को गिराया गया था 1945 को उसके जस्ट तीन दिन बाद उसके तुरंत तीन दिन बाद कब नौ अगस्त 1945 को कहाँ नागासाकी में जो है ये बम गिराए गए थे परमाणु बम है ना और इतने भयंकर बम थे आप सभी को पता है आज तक उसके रेडिएशन इन शहरों में पाए जाते हैं और लोग आज भी अंधे बहरे लंगड़े लूले है ना मतलब शरीर से कुल मिलाकर आज भी अपायज लोग पैदा होते हैं क्योंकि वहां की वायु में अभी भी ये रेडिएशन बहुत सारी है ठीक है तो ये चीज याद रखेंगे बस ये चीज और याद रखना है कि जो हिरोशिमा पे जो बम गिराया गया था इसको कोड नेम क्या दिया गया था इसको जो है कोड नेम क्या दिया गया था तो ध्यान रखेंगे क्या दिया गया था लिटिल बॉय लिटिल बॉय ठीक है लिटिल बॉय इसको कोड नेम दिया गया था और जो नागा साकी पे गिराया गया था उसको क्या दिया गया था फैट मैन यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि फैट मैन और लिटिल बॉय क्या है, है ना फैट मैन और लिटिल बॉय क्या है तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है और किसके द्वारा गिराया गया था भाई ये तो मैं बता चुकी हूँ फिर भी याद रखेंगे अमेरिका के द्वारा इन दोनों शहरों पे क्या गिराए गए थे बम किसके अमेरिका है ना अमेरिका के द्वारा गिराए गए थे ठीक है तो इसी के जो है उपलक्ष्य में क्या है गांधी जी की प्रतिमा का वहां पर अनावरण हुआ है चलिए देख ले रहे हैं इसके बारे में थोड़ा सा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत है ना काफी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख के चलते हैं चलिए नरेंद्र मोदी ने हिरोशिमा में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण किया है गांधी की प्रतिमा के स्थान को शांति और अहिंसा है ना शांति और अहिंसा के लिए एकजुटता के प्रतीक के रूप में चुना गया है ठीक है ओके okay. अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर दुनिया का पहला परमाणु हमला किया जिससे शहर तबाह हो गया और देखो करीब एक लाख चालीस हज़ार लोग मारे गए बहुत बड़ी संख्या होती है और ये तो सिर्फ आंकड़े होते हैं जैसे हमारा जलियावाला बाग जो हत्याकांड है आंकड़ों में दिखाया गया है कि 300 कुछ व्यक्ति मारे गए थे लेकिन एक्चुअल में जब उस रिपोर्ट का सर्वे किया गया तो कहा जाता है कि 1000 से ज़्यादा व्यक्ति मारे गए थे है ना तो ये तो सिर्फ डाटा है गवर्नमेंट क्या है डाटा तो ऐसे ही कि लोग घबराए ना है ना तो ये सिर्फ डाटा है रियल में और भी ज़्यादा होंगे चलो ओके तो देखो यहाँ पे एक और चीज़ याद रखनी है बयालीस इंच लंबी है और कांस्य की प्रतिमा है ठीक है क्योंकि ये क्वेश्चन बनते हैं कि कितनी लंबी है गुड मॉर्निंग अमरीश वेरी गुड मॉर्निंग चले यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि, कि कितनी लंबी प्रतिमा है और किस चीज़ की बनी है ठीक है तो भाई इसकी लंबाई क्या है फोर्टी टू है ना बयालीस इंच लंबी है और कांस्य कांस्य की बनी हुई प्रतिमा है ठीक है प्रतिमा को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किसने बनाया है ध्यान रखेंगे इसका नाम राम वनजी सुतार ठीक है राम वनजी सुतार ने इस प्रतिमा को तैयार किया है तो इन व्यक्ति का भी नाम रखेंगे याद है ना अगर भारत में होती तो एक बार को इम्पोर्टेंट नहीं होती दूसरे देश में और गांधी जी है ना जो हमारे राष्ट्रपिता हैं उनकी प्रतिमा है तो वैसे ही इंपॉर्टेंट हो जाती ठीक है तो किसने राम वनजी सुतार ने इसको क्या किया है भाई इसका निर्माण किया है तो इसे याद रखेंगे ठीक है भारत ने जी से जी सेवन शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री मोदी की जापान यात्रा के अवसर पर हिरोशिमा को यह प्रतिमा भारत और जापान के बीच दोस्ती एवं सद्भावना के प्रतीक के रूप में भेंट की है भारत ने भेंट की है अब यहां पे एक और हमें क्वेश्चन मिल गया ढूंढा करो क्वेश्चन लाइन में जी सेवन शिखर सम्मेलन कहां पे हो रहा है भाई जापान में कहा हो रहा है जापान में हो रहा है ठीक है तो यह चीज आपको याद रखनी है इस तरीके से ना क्वेश्चन ढूंढा करो राधे राधे कोमल राधे राधे माइडिया चले क्लास को एक बहुत प्यारा प्यारा सा लाइक कर दो है ना सभी क्या है देखो कंजूसी कर रहे हो लाइक भी नहीं किए हो है लाइक कर दो बहुत प्यारा सा जापान के प्रधानमंत्री अब देखो एक क्वेश्चन यहाँ से बन गया कि जापान के पीएम कौन है भाई कौन है फुमियो किशिदा अब यहाँ पे प्रतिमा का अनावरण किया गया है ठीक है मोदी जी खुद जी सेवन में जा रहे हैं ठीक है तो यहाँ पे सिंपल सी बात है भाई जापान के पीएम का नाम पूछा जा सकता है इंपॉर्टेंट पॉइंट है ठीक है तो फुमियो किशिदा है इनके नियंत्रण पर जी शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री हिरोशिमा की यात्रा पर गए अब यहाँ पे ये भी याद रखना है ठीक है कि कहाँ पर हिरोशिमा में ये जो है बैठक हो रही है जी की ठीक है तो इसको इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है इसका स्क्रीन शॉट ले लो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चले देखो आपको पता ही है जिस जो एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट नहीं होता मैं पे बिल्कुल भी नहीं रुकती हूं है ना और जो इंपॉर्टेंट होता है वहां मैं रुक कर जाती हूं काफी ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट है चले चलो भारत इंपॉर्टेंट नहीं देता है क्या मैं मतलब हम आते ही अच्छा भारत की बात कर रहे हो भारत की आते ही प्यार से लाइक कर देते हैं मैम जी ओके ओके थैंक यू ठीक है चलो क्या बात कर रहे हो भारत इंपॉर्टेंट नहीं देता है ये क्या मैं समझ नहीं पाई किस राज्य ने देश के पहले सुशासन विनियमों को मंजूरी दे दी है सुशासन जो विनियम है उनको मंजूरी देने वाला कौन सा राज्य है ठीक है देश का फर्स्ट राज्य बन गया है चलिए आंसर करिए स्वशासन गुड गवर्नेंस रेगुलेशन है ना तो यहाँ पे कह रहा है कि जो गुड गवर्नेंस गुड गवर्नेंस क्या आपकी गुड गव कहां दिमाग रहता है कभी 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 कहाँ दिमाग रहता है गुड गवर्नेंस रेगुलेशन ठीक है इसको मंजूरी देने वाला कौन सा राज्य बन गया है है ना पता नहीं कभी कभी कहाँ दिमाग पहुंच जाता है चले तो कौन सा राज्य बन गया है तो भाई ध्यान देंगे आंसर करेंगे आप लोग तो महाराष्ट्र ठीक है महाराष्ट्र जो है सुशासन विनियम है ना सुशासन नियमों को मंजूरी देने वाला विनियम या नियम एक ही बात है ठीक है उनको मंजूरी देने वाला पहला राज्य बन गया है कौन महाराष्ट्र महाराष्ट्र की कैपिटल तो सभी को पता ही होगी भाई मुंबई है ना मुंबई है महाराष्ट्र में एक झील है आप सभी को पता है क्या नाम है लोनार लोनार झील है याद रखेंगे कैसी है खारे पानी की खारे पानी की झील है ये भी याद रखना है और इसके बारे में याद रखना है किसके द्वारा निर्मित है ये उल्का है ना उल्का पिंड उल्का पिंड के द्वारा निर्मित झील है तो ये भी याद रखना है और इसको लोनार झील को क्या कहते हैं भारत की गुलाबी झील ठीक है गुलाबी गुलाबी झील के नाम से भी जाना जाता है तो कभी पूछ लिया जाए लोनार ना देके क्वेश्चन में कहने की गुलाबी झील इनमें से कौन सी है ठीक है तो लोनार को ही कहते हैं यहाँ पे एक बैक्टीरिया पाया जाता है उसके बैक्टीरिया के कारण जो है झील का रंग कैसा पिंक कलर का दिखाई देता है ठीक है गुड मॉर्निंग सपनों का शहर बिल्कुल सपनों का शहर मुंबई है ना सपने लोग वही देखने जाते हैं सपने पूरे करने जाते हैं ना चले नमस्कार नित्यानंद वेरी वेरी गुड मॉर्निंग नमस्कार नित्यानंद चले क्लास को लाइक शेयर करते जाएंगे सभी क्या करेंगे देखो कंजूसी विदाउट कंजूसी है ना क्लास को एक प्यारा प्यारा सा लाइक कर दिया करो विदाउट कंजूसी ठीक है तो लाइक करते जाएंगे सभी ओके गुड मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंगना एक नाथ शिंदे आप सभी को पता है सीएम और गवर्नर वगैरह से क्वेश्चन पूछ जाते तो एक नाथ शिंदे ने देश के पहले सुशासन विनियमों को मंजूरी दे दी है जिसका उद्देश्य राज्य प्रशासन को अधिक जवाबदेह और सुलभ और गतिशील पारदर्शी आदि करना है सिंपल है सुशासन सुशासन गुड गवर्नेंस यानी अच्छी अच्छा शासन है ना अब अच्छा शासन होगा तो सिंपल सी बात है सुलभ होगा गतिशील होगा जवाबदेह होगा है ना ये सारी उसमें चीजें होंगी ठीक है चलो और इसमें ऐसा कुछ है नहीं तो ये पहला राज्य बन गया है बस ये चीज याद रखेंगे महाराष्ट्र इसका नाम बहुत अच्छे से याद रखना है चलो अगला हमारा क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट ओके चलिए फोर्थ क्वेश्चन है हमारा किस कंपनी ने नासा अच्छा जल्दी बताओ नासा का हेड क्वार्टर कहाँ है जल्दी से आंसर करो नासा का हेड क्वार्टर कहाँ है और अगर कोई बता सकता है कब इस्टैब्लिश हुआ था नासा कब इसकी स्थापना हुई है तो ये भी बता दो ठीक है आप सभी को पता है अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा ठीक है चले नासा यहाँ पे कह रहा है किस कंपनी ने नासा के एक अंतरिक्ष यान बनाने का अनुबंध नासा से एक अंतरिक्ष यान बनाने का अनुबंध जीता है जो चंद्रमा की सतह पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजेगा ठीक है तो भाई यहाँ पे कहा जा रहा है क्वेश्चन में कुल मिला के, नाशा से किस कंपनी ने हाल ही में अंतरिक्ष यान बनाने, बनाने का अनुबंध यानी एक समझौता कर लिया है एग्रीमेंट कर लिया है ठीक है जो क्या है वो अंतरिक्षयान कहा जाएगा भाई चंद्रमा पर क्या अंतरिक्ष यात्रियों को भेजेगा ठीक है अब इससे कुछ भी या, बात याद रही कि हमारा प्यारा भारत हमारा प्यारा भारत जो है कौन सा मिशन है गगनयान ठीक है गगनयान जो भारत का मिशन है ठीक है गगनयान मिशन के तहत भारत क्या करेगा भाई व्यक्तियों को कहाँ भेजेगा कहाँ भेजेगा बताओ जल्दी स्पेस में है ना यहाँ पे ह्यूमन ह्यूमन की बात हो रही है कि ह्यूमन को भेजेगा यहाँ पे ए सी सब कुछ आ रहा है मेरी क्लास में आंसर चलिए ओके ठीक है तो भारत गगन गगनयान में क्या है अगर हम बात करें भारत का मानव अंतरिक्ष मिशन मानव अंतरिक्ष मिशन अगर मैं इस क्वेश्चन को नाम दे दू कि मानव अंतरिक्ष मिशन भारत का कौन सा है ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा भी गया है ये तो याद रखेंगे कौन सा है भाई गगनयान है ना इसके तहत भारत क्या करेगा गाइस दो तेईस है ना 2023 के लास्ट में 2023 के एंड में एकदम कहा जा रहा है कि दिसंबर में एकदम एक एंड में क्या है मिशन भेजा जाएगा गगनयान फर्स्ट ठीक है यानी इसको जी फर्स्ट कह सकते हैं हम जी फर्स्ट ठीक है तो जी फर्स्ट जो है मिशन भेजा जाएगा अब जी सेकंड कब भेजा जाएगा ये भी याद रख लो जी सेकंड भेजा जाएगा गाइस दो हज़ार दो हज़ार चौबीस में जी सेकंड भेजा जाएगा गगनयान सेकंड जो दो हजार चौबीस की स्टार्टिंग में भेजा जाएगा मतलब मार्च अप्रैल के समथिंग ठीक है तो ये गगनयान के बारे में याद रखना है और गैस, इसमें ध्यान रखेंगे गगनयान में यहां पर तीन चार व्यक्तियों को भेजा जाएगा है ना समथिंग चार व्यक्तियों को इसकी एक खासियत है इसमें एक जो है महिला एक महिला भी भेजी जा रही है अब भाई महिला कोई इंडिया ने क्या किया है महिला रोबोट भेज रहे हैं ठीक है इसमें एक महिला रोबोट महिला रोबोट ठीक है भेज रहे हैं यात्रियों के साथ <coughs> क्या नाम है उसका व्योम मित्रा व्योम <coughs> ठीक है व्योम मित्रा उस महिला रोबोट का नाम है तो ये चीज आपको याद रखना है व्योम व्योम का मतलब क्या होता है बताओ पर्यावाची पढ़ते हो ना व्योम का मतलब क्या होता है देखते हैं कौन मेरी क्लास में बताता है ठीक है तो ये चीज आपको याद रखना है व्योम मित्र या व्योम मित्रा ठीक है मित्र भी कर सकते हैं खाली और या व्योम मित्रा भी कर सकते हैं ओके तो ये गगनयान के बारे में आपको याद रखना है ठीक है देखते हैं मेरी क्लास में आंसर बी सी ए सारे आंसर आए थे है ना सारे आंसर आए थे चलिए भाई देखते हैं किसका आंसर सही होगा तो यहाँ पे आंसर है बी ब्लू ऑरिजन जो बी कर रहे हैं एकदम सही है तो ब्लू ऑरिजन ने अनुबंध किया है नासा के साथ है ना चंद्रमा पे जो है मानव मिशन को भेजने के लिए ठीक है अब यहाँ पर ध्यान देंगे गगनयान पहली बार ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे किसके द्वारा भेजा जा रहा है <coughs> है ना गगनयान मिशन भाई किसके द्वारा तैयार किया गया तो इसरो के द्वारा ठीक है इसरो के द्वारा तो ये चीज़ याद रखना है इसरो की बात करेंगे तो इसकी स्थापना इसरो की स्थापना कब होती है तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे तो 1969 में इसरो की क्या है स्थापना होती है और मैं बात करूं कि इसरो का हेड क्वार्टर है ना इसरो का जो है हेड क्वार्टर कहाँ पर है तो ये भी चीज़ याद रखनी है भाई कहाँ पर है बंगलुरु ठीक है बेंगलुरु में हेड क्वार्टर है कर्नाटक बंगलुरु कहाँ है कर्नाटक का शहर है ठीक है तो बंगलुरु कर्नाटक में क्या है इसका हेड क्वार्टर है तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है मैंने पूछा था कि नासा की स्थापना कब हुई किसी ने नहीं बताया है ना किसी ने भी नहीं बताया चलो ओफो सही हो गया चलो किसी ने नहीं बताया बड़े नालायक हो गए सही हो बता रहे हैं तो देखो नासा की स्थापना देख लो नासा की हम बात करते हैं नासा की ठीक है नासा की बात कर रही हूँ तो ध्यान देंगे इसकी स्थापना कब हुई 1958 में कब होती है भाई 1958 में इसकी स्थापना होती है नासा की अब थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ी सी नज़रों में शर्म कर लो मुझे ये बता दो इसका हेड क्वार्टर कहाँ है आपसे पूछने का रीज़न पता है क्या होता है पहले तो इसका स्क्रीन ले लो आगे चलते हैं ठीक है इंपॉर्टेंट है ये सारा पॉइंट ठीक है आपसे पूछने का मतलब ये होता है कि क्या बोलते हैं आपको चीज़ें याद हो जाएं रिकॉल हो जाए क्योंकि जो चीज़ें मैं बताऊंगी ना सारी आप कहें ना उसमें से कुछ ही चीज़ कैच कर पाओगे बाकी भूल जाओगे लेकिन जो चीज़ आप मुझे बताओगे ना कमेंट बॉक्स में उसको आप कभी नहीं भूलोगे ध्यान रख रखना है ना हाँ चलो नित्यानंद नाइनटीन में तो किसकी स्थापना होती है हमारे इसरो की होती है ठीक है नासा की नाइनटीन में उन्नीस में, में होती है ठीक है ठीक है अब नासा का हेड क्वार्टर बता दो यूएसए में है लेकिन कहाँ पर हेड क्वार्टर कहाँ है शहर भी तो होगा कोई शहर भी तो होगा चले तो यहाँ पे कुछ नहीं पीछे हम सारा देख ही चुके हैं इनके बीच क्या है अनुबंध हुआ है ठीक है चलो ओके देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन फिफ्थ ठीक है फिफ्थ क्वेश्चन को करते हैं चलिए इटालियन ओपन 2023 में अपना पहला क्ले कोर्ट खिताब जी किसने जीता है ठीक है तो जल्दी से आंसर करेंगे इटालियन ओपन 2023 में अपना पहला क्ले कोर्ट खिताब किसने जीता है चलो वॉशिंगटन वॉशिंगटन में ही नासा का मुख्यालय भाई और भी कोई आंसर करो देखते हैं कौन कौन बताता है यहाँ पे मुझे खाली नित्यानंद का आंसर आ रहा है ना नित्यानंद खाली आंसर कर रहे हैं ओहो कैलिफोर्निया पहुंच गए अमित तो पहुंच गए कैलिफोर्निया बेटा तुक्के नहीं मारो ये आपका होमवर्क है हो, और ये सीरियसली नहीं बताऊंगी क्यों क्योंकि मुझे लगता है शायद शायद मैं सौ बार इस चीज़ को बता चुकी हूँ कि नासा का हेड क्वार्टर कहाँ है सौ बार क्लास में डिस्कस कर चुकी हूँ तो अब नहीं बताऊंगी ये आपका होमवर्क है गूगल करो कुछ भी करो लेकिन मुझे यहाँ पे सही वाला आंसर चाहिए पूरी क्लास का है ना पूरी क्लास एक ही आंसर करो चलो ए और सी हम पे आंसर आ रहे हैं ओके तो ए एकदम सही है दानिल मेदेव ठीक है दानिल मेदेव जो है एकदम सही है इन्होंने इटालियन ओपन 2023 में अपना पहला क्ले कोर्ट खिताब जीता है और इस क्वेश्चन में बस इतना ही इंपॉर्टेंट है आगे जाने की जरूरत नहीं क्योंकि ये हमारे इंडियन प्लेयर नहीं है है ना जो हम इसमें आगे जाएंगे इन्हीं की हिस्ट्री दे रखी इन्होंने कौन सा क्या किया है इनके करियर के बारे में बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है चलो चलते हैं आगे फिर भी आपको लगता है ना कि आपको पढ़ना चाहिए तो आप स्क्रीन ले लिया करो ठीक क्योंकि उन चीज़ों पे मैं टाइम नहीं ज़्यादा देती अब देखो यहाँ एक्सप्लेनेशन में कुछ नहीं था तो क्यों टाइम दूँ है ना भाई आपके लिए एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है ठीक है पढ़ने वाले स्टूडेंट हो छात्रों के लिए एक, -एक मिनट इंपॉर्टेंट हो जाता है हो जाता है अगर समझे तो है ना नहीं समझे तो बेटा मस्ती करो पबजी खेलते रहो चलो मैम मैंने दो बार बताया आपने देखा नहीं कोमल ने कहाँ बताया भाई मैंने कोमल नहीं देखा सीरियसली है ना सही आंसर चाहिए वाशिंगटन डीसी अच्छा कोमल ने वॉशिंगटन डीसी किया है चलो सहमत हो सारे के सारे वाशिंगटन डीसी मैं चाह रही हूँ ना पूरी अभी कितने तेरह चौदह बच्चे हैं क्लास में मैं चाह रही हूँ मेजोरिटी के साथ आंसर आए है ना मेजोरिटी के साथ कि क्या बोलते हैं हेड है क्वार्टर क्या है नासा का भाई क्लास को शेयर करते जाओ और लाइक करते जाओ है ना क्लास को लाइक और शेयर करते जाओ चलो देखते हैं निम्न में से किस देश के 300 छात्रों को मई 2023 में भारत द्वारा महात्मा गांधी छात्रवृत्ति से सम्मानित किया गया चले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कह रहा है कि यहाँ पे 300 छात्र थे है ना किस देश के 300 छात्र हैं जिनको महात्मा गांधी आ, महात्मा गांधी छात्रवृत्ति से सम्मानित किया गया है किसके द्वारा भारत के द्वारा हमारी जान भारत के द्वारा है ना चलिए तो ये आंसर करना है यहाँ पे नहीं वॉशिंगटन नहीं है वही तो मैं कह रही हूँ मुझे एक आंसर चाहिए देखो फिर फाइट होने लगी वॉशिंगटन नहीं है कोई कह रहा है कोई कह रहा है कि अरे मैडम वाशिंगटन ही होगा कहाँ जा रही हो आप इसीलिए तो मैं शांत हो गई हूँ तुम्हारे आंसर देख देख के इसीलिए मैं कह रही हूँ पूरी क्लास का जब आंसर आएगा ना एक ही पॉइंट पे तो अपने आप क्या है आंसर सही हो जाएगा है ना तो बेटा बता दो नासा का क्वार्टर कहाँ है है ना नहीं बताओ तो ये आपका होमवर्क है ये आपका होमवर्क है ठीक है नासा का क्वार्टर कहाँ है अभी नहीं क्लास के बाद आराम से सर्च कर लेना और कहीं नोट कर लेना ठीक है चले ओके तो भाई यहाँ पे देखेंगे किस देश को तो यहाँ पे श्रीलंका ठीक है ध्यान रखेंगे किसको श्रीलंका के 300 छात्रों को हाल ही में महात्मा गांधी छात्रवृत्ति से सम्मानित किया गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है बात करते हैं हम श्रीलंका की तो भाई श्रीलंका की लोकेशन सभी को पता है भारत के एकदम दक्षिण में है है ना दक्षिण पूर्व में आता है भारत के चले इसकी कैपिटल देख लेना तो भाई पहले क्या थी इसकी कैपिटल कोलम्बो है ना पहले इसकी कैपिटल कोलम्बो थी लेकिन अभी प्रेजेंट में क्या हो गई है श्री जयवर्धने पूरे कोटे श्री जयवर्धने ए पुरे कोट्टे इसकी जो है कैपिटल हो गई है प्रेजेंट में किसकी श्रीलंका की ठीक है तो इसकी कैपिटल को याद रखना है आपको ओके चलिए हम बात करते हैं गाइस हम म्यांमार की म्यांमार की कैपिटल क्या है ना पीतू तो मैंने आपको बताया था आप मुझे बताओ कि अफग़ानिस्तान की कैपिटल क्या है जल्दी बताओ ठीक है हम बात करते हैं गाइस बांग्लादेश की क्या है ढाका ढाका है कैपिटल ठीक है हम बात करते हैं म्यांमार की ठीक है म्यांमार की बात करें तो क्या है नापीतू ठीक है नाई पीतो ना पिडो तो, पी है ना बहुत सारे नाम इसके मिलते हैं तो इसकी कैपिटल है चलिए वॉशिंगटन डी ही है मैम क्या फाइट चल रही है क्या फाइट चल रही है काबुल वेरी गुड वेरी गुड भाई है ना कोलम्बो नहीं होगी ना नित्यानंद कोलम्बो कहाँ से होगी अफगानिस्तान की क्या होगी कालम अच्छा श्रीलंका की बता रहे हो गए ठीक है तो क्या है काबुल है ना क्या कैपिटल है भाई काबुल है तो याद रखेंगे काबुल अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल है ओके चले तो कैपिटल्स वगैरह याद रखा करो ठीक है अच्छा मैंने एक बताया था कि भारत के सहयोग से एक जो बांध बनाया गया है अफगानिस्तान में है ना एक बांध बनाया गया अफगानिस्तान में कोई मुझे बता सकता है कौन सा बांध है आंसर तो हमारा डी होगा ठीक है कौन सा बांध है कोई बता सकता है अफगानिस्तान में बहुत इंपॉर्टेंट है और आ जाए ना तो ये मान लो कि सौ में से उसको नब्बे बच्चे पिचानवे बच्चे गलत ही करेंगे है ना पांच बच्चों को ही बताओगा चले श्रीलंका के सभी पच्चीस जिलों के तीन सौ स्कूली छात्रों ने प्रतिष्ठित महात्मा गांधी छात्रवृत्ति जो है प्राप्त की है छात्रवृत्ति वही आप सभी को पता ही है ठीक है श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त गोपाल बागले श्रीलंका के शिक्षा मंत्री डॉक्टर कुछ नहीं इनका नाम याद नहीं रख रहा है ना तो यहाँ पे कुछ नहीं हम थोड़ा सा याद रखें भारत के जो उच्चायुक्त हैं कौन है गोपाल बागले हैं कहाँ पर श्रीलंका में ठीक है भारत के उच्चायुक्त हैं इनका नाम याद रख लेंगे यहाँ से क्वेश्चन कई बार बन जाता है क्योंकि श्रीलंका चर्चा में है ठीक है छात्रवृत्ति प्रत्येक जिले के शीर्ष छः छात्रों को योग्यता सह साधनों के आधार पर हर महीने प्रति छात्र 2500 श्रीलंकाई रुपए प्रदान करती है ठीक है तो भाई यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि छात्रवृत्ति के तहत कितने रुपए दिए जाते हैं तो 2500 श्रीलंकाई रुपए यहाँ पे दिए जाते हैं प्रत्येक यहाँ पे प्रति छात्र को ठीक है तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है महात्मा गांधी छात्रवृत्ति के अलावा भारत सरकार इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी कला विज्ञान और स्वदेशी चिकित्सा जैसे क्षेत्रों में श्रीलंकाई छात्रों को सल सालाना लगभग 210 छात्रवृत्तियां प्रदान करती है ठीक है तो चलिए तो इसके बारे में थोड़ा श्रीलंका के बारे में याद रख लेंगे और भाई क्लास को लाइक और शेयर कर जाएंगे नहीं लग रहा तो नासा को फोन करके पूछ लो बिल्कुल है ना अगर नहीं पता लग रहा तो भैया नासा को फ़ोन करो कुछ भी करो आपका होमवर्क है कहाँ है हेडक्वार्टर नासा का ये आप बताओगे ठीक है चलिए क्या नालायक हो गए सीरियसली बता रहे हैं मैम गूगल पर तो वाशिंगटन डीसी देख दे रहा है तो भाई वाशिंगटन डी दे रहा है तो वही होगा ना वाशिंगटन डी दे रहा तो वही होगा कौन कौन गूगल करके आए जल्दी बताओ मुझे नहीं लग रहा वाशिंगटन डे दे, देवेंद्र तो बस बच्चों का आंसर गलत करवाने आते हैं ना ये बताओ कौन कौन गूगल पे चेक करके आया है वाशिंगटन डीसी जल्दी बताओ इतना काहे कंफ्यूज रहते हो हैं कंफ्यूजन में ही कहते हैं ना इंसान कंफ्यूजन वो गाना सुन रहे हैं ना कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न है सॉल्यूशन का पता नहीं इतने कन्फ्यूज कन्फ्यूज़ हो गया बहुत ज़्यादा क्लास में मैंने गूगल किया था अमित ने गूगल किया भाई और किस किस ने गूगल गुग किया जल्दी बताओ ठीक है देखते हैं यहाँ पे हमारा सेवन क्वेश्चन गुजरात के द्वारका ठीक है गुजरात के द्वारका में नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग के स्थाई परिसर की आधारशिला रखी गई ठीक है तो भैया यहाँ पे क्या रखी गई है एक आधारशिला रखी किसकी नेशनल अकेडमिक ऑफ कॉन्स्टेबल पुलिसिंग ठीक है के स्थाई परिसर इसका स्थाई परिसर बनाया गया है कहाँ पर गुजरात के द्वारिका में ओके और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है ठीक है आज देख रहे हो एक चीज़ देख रहे हो स्टार्टिंग से ही सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ रहे हैं ना कोई कोई सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कल की सीरीज जो हमने करी थी वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कम थे है ना आज सारे हैं चलो ओके मैंने भी किया कृष्णा कह रहे हैं मैंने भी किया मैं तो एक मिनट के लिए क्लास ना छोड़ू <laughs> चलो <laughs> कोई बात नहीं तसल्ली से आराम से है ना कल ही बताऊंगी आज बिल्कुल नहीं बताऊंगी कल बताऊंगी कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ है। देखते हैं आप आराम से तसल्ली से ढूंढना गूगल पे क्लास के बाद ठीक है चलिए वैसे सीरियसली मज़ा आ रहा है मुझे बहुत है ना आप लोग परेशान भी हो रहे हो है ना और कन्फ्यूज भी हो रहे हो कन्फ्यूज़न कन्फ्यूज़न पैदा है चलो ठीक है है ना कभी कभी थोड़ा सा परेशान करना तो आप लोगों को टीचर का भी बनता है केंद्रीय गृह मंत्री कौन अमित शाह ठीक है अमित शाह जो है इसकी आधारशिला रखी है कहाँ पर गुजरात के द्वारिका में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछ लिया जाएगा नेशनल अकेडमी ऑफ कांस्टेबल पुलिसिंग जो सेंटर है हाल ही में कहाँ पर स्थापित किया गया है तो गुजरात के द्वारिका में ठीक है तो ये बहुत अच्छे से आपको याद रखना है किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई है भाई गृह मंत्री हमारे अमित शाह के द्वारा ठीक है गुजरात की बात करते हैं भैया सभी को पता है इसकी कैपिटल क्या है भुवने भुवनेश्वर कहाँ पहुँच गई मेरा दिमाग भी पता नहीं कहाँ रहता है है ना गुजरात कैपिटल क्या है गांधीनगर है ना गांधीनगर मेरा भी दिमाग ना हम लोगों की मस्ती में ही चला गया बिल्कुल है ना चलो गांधीनगर ठीक है गुजरात की कैपिटल क्या है भाई गांधीनगर है तो याद रखेंगे ठीक है ओके और गुजरात हमारा बात करें तो गाइस आप लोगों को पता ही होगा गुजरात के बारे में कि मूंगफली ठीक है मूंगफली उत्पादन में क्या है नंबर वन है गुजरात किसके मूंगफली उत्पादन में गुजरात नंबर वन है तो ये भी आपको याद रखना है बहुत अच्छे से ठीक चले मैम पहले नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद पहले क्या अभी भी है भाई वहां पर अभी भी है नेशनल पुलिस एकेडमी अभी भी हैदराबाद में है. है ना उसमें कोई डाउट नहीं है पहले क्या था अभी भी है भाई जो आपका नेशनल पुलिस अकेडमी जो हैदराबाद में है जो आपके आई वगैरह होते हैं वही तो ट्रेनिंग चलती है उनकी है तो याद रखेंगे चलिए अमित शाह ने बीस मई को गुजरात के देवभूमि द्वारिका ज़िले में ठीक है गुजरात के देवभूमि जो द्वारिका ज़िला है वहां पर ओखा में नेशनल एकेडमी ठीक है नेशनल एकेडमी ऑफ कांस्टेबल पुलिस ठीक है ये कॉन्स्टे सॉरी कोस्टल कोस्टल पुलिस की बात हो रही है अब कोस्टल पुलिस मतलब जो तटीय पुलिस है क्या भाई मैं पीछे कॉन्स्टेबल पुलिस पड़ गई हूँ क्या कोस्टल पुलिस है ठीक है कोस्टल ठीक है कोस्टल कोस्ट यानी कोस्टल एरियाज मतलब तटीय है ना तटीय क्षेत्रों की जो पुलिसिंग है उसके लिए यहाँ पर जो है सेंटर स्थापित किया गया है ठीक है स्थायी परिषद मतलब यहाँ परमानेंट जो है सेंटर स्थापित कर दिया गया है ठीक है याद रखेगी अगर कोस्टल पुलिस का आ जाए कि हाल ही में कोस्टल पुलिस यानी तटीय पुलिस कहां पर हिंदी में भी दे सकता है ध्यान रखना तटीय पुलिस परिसर हाल ही में कहाँ पर स्थापित किया गया है तो गुजरात के द्वारिका में ठीक है चलिए हाँ समुद्र किनारे वाली बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी है वेरी गुड है ना किसकी पटेल जी की है किस पर है सरदार सरोवर बांध के पास बनाई गई है है ना सभी को पता है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है नर्मदा पर है ठीक है मूर्ति कहाँ बनाई गई है गुजरात के केवड़िया में बनाई गई है ना अब इसकी लंबाई कितनी है ज़रा बताओ तो सरदार सरोवर की देखते हैं कौन बता पाता है ठीक है ओके हाँ नेशनल अकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग ठीक है नेशनल अकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग देश की पहली राष्ट्रीय अकादमी 2018 में नौ तटीय राज्यों है ना जो आप सभी को पता है नौ तटीय राज्य हमारे कितने हैं नाइन है ना नौ तटीय राज्यों में पांच केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साथ केंद्रीय पुलिस बलों की समुद्री पुलिस को गहन प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए स्थापित की गई थी है ना तो याद रखेंगे चलिए ओके अकादमी का प्राथमिक उद्देश्य है तटीय पुलिस कर्मियों को कौशल और क्षमताओं को बढ़ावा देना मतलब उनको कौशल प्रशिक्षण देना कुल मिला ठीक है भारत सरकार ने एन ए एन ए सी पी को आधुनिक बुनियादी ढांचे उन्नति यहाँ पर कुछ नहीं है इस लाइन को छोड़ दो है ना कुछ भी नहीं है इसमें चले ओके आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर एथ क्वेश्चन पर है ना सेवनटी टू मीटर्स वन एटी टू मीटर्स ओके ओके बेटा मीटर्स में है 182 182 तो ठीक है वो मीटर्स में है या फीट में है ये बताओ है ना फिर से करो गूगल आज तो मार डालूंगी तो मैं गूगल करा करा के सही बता रही हूँ बादल गुड मॉर्निंग बादल वेरी गुड मॉर्निंग 182 मीटर्स में है मूर्ति की ऊंचाई या या फिर उसमें है क्या बोल रहे हो आप लोग क्या लिख रहे हो मीटर या फीट में है फीट में है ये बताओ जरा ठीक है बिल्कुल गुजरात की कोस्टल लाइन क्या है सबसे बड़ी है वेरी गुड चलो दूसरे कार्यकाल के लिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में हाल ही में किसने शपथ ली ठीक है तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन बने हैं भाई तो अपने दूसरे कार्यकाल के लिए दूसरे कार्यकाल का मतलब है कि इससे पहले भी वे सीएम रह चुके हैं ठीक है चलिए एक मीटर मीटर में है कंफर्म है ठीक है भाई कंफर्म हो तो अच्छी बात है है ना चलो एक है मीटर मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ फीट में है या मीटर में है मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हूँ आई थिंक मीटर में ही है है ना तो एक मीटर की ऊंचाई है और खड़ी प्रतिमा है और विश्व की सबसे ऊंची खड़ी प्रतिमा है सभी को पता ही होगा ये है, है ना चलिए गुड मॉर्निंग सुबेर वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर वेरी 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 गुड मॉर्निंग तो क्या होगा भाई सिद्धार सिद्धा रमैया ठीक है तो भाई मुख्यमंत्री कौन बने हैं कर्नाटक के सिद्धा रमैया बने हैं तो इनके बारे में बहुत अच्छे से याद रखना है चले कर्नाटक की बात करते हैं इसकी कैपिटल ठीक है कैपिटल क्या है बेंगलुरु है ना कर्नाटक की कैपिटल क्या है बंगलुरु है सभी को पता है ठीक है कर्नाटक हमारा सूरजमुखी सूरज मुखी, सूरज मुखी. सूरजमुखी के उत्पादन में नंबर वन है कर्नाटक की बात करें गाइस हम रेशम रेशम उत्पादन में नंबर वन है हम बात करते हैं कॉफ़ी कॉफ़ी उत्पादन में नंबर वन है कर्नाटक हमारा ठीक है तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसके उत्पादन में कर्नाटक नंबर वन है और कुछ याद आ रहा है तो जल्दी से कॉमेंट बॉक्स में आंसर करो ठीक है चलो मीटर में है मैम जी ओके सब चाहिए ओके मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हूँ ना इसीलिए मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ कि मीटर में है या फीट में है है ना एक है ये तो मैं श्योर हूँ है ना चलिए बहुत अच्छी बात है आप लोगों को पता है ठीक है तो याद रखेंगे ओके चलो और गैस हम कर्नाटक की बात करें तो गैस यहां पर क्या है परमाणु संयंत्र है ठीक है परमाणु संयंत्र ठीक है कैगा बस कैगा नाम याद रखो कैगा जहां भी आ है कि कैगा नाम का परमाणु संयंत्र कहां पर है कर्नाटक में है याद रखेंगे गैस कर्नाटक का एक बहुत ही फेमस नृत्य है क्या नाम है यक्षगान ठीक है क्या नाम है यक्ष गान ठीक है यक्षगान कर्नाटक का क्या है बहुत ही फेमस नृत्य नृत्य फॉर्म है ठीक है तो याद रखेंगे यक्षगान किसकी है कर्नाटक की है ये चीज़ बहुत अच्छे से तो याद रखनी है किस तो कर्नाटक में ही हम कॉफ़ी की बात करते हैं तो यहीं पर एक पहाड़ी थी बाबा बुदन ठीक है बाबा बूदन ठीक है या इन पहाड़ियों से क्वेश्चन बन चुका है ध्यान रखेंगे बाबा बूदन की पहाड़ी है ना इन्हीं पे पहली बार क्या है कॉफ़ी का पैदा पौधा लगाया गया था भारत में कहाँ से लाकर ब्राज़ील से लाकर कहाँ से लाकर लगाया गया था पहली बार तो ब्राज़ील ठीक है ब्राज़ील से लाकर लगाया गया था पहली बार एक व्यक्ति थे बाबा बुधन नाम के वो वो क्या है पौधा लेकर आए ब्राज़ील से और यहाँ पर लगाया ठीक है चलिए ओके तो स्क्रीन ले सकते हैं चलते आगे सिद्धारमैया क्या है कर्नाटक के सीएम बने हैं तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कर्नाटक के राज्यपाल का नाम और याद रखने कौन है थावर चंद गहलोत ठीक है यहाँ पर इसके राज्यपाल हैं बस और इसमें कुछ भी ऐसा है नहीं चलिए चलते हैं आगे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा नाइन्थ भारत राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाता है ठीक है तो भैया हमारा प्यारा भारत जो है वो राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाता है ठीक है वेन डज इंडियाज ऑब्जर्व नेशनल एंटी टेररिज्म डे ठीक है नेशनल एंटी टेररिज्म डे है ना भारत कब सेलिब्रेट करता है ये मेरी क्लास को आंसर करना है चलिए देखते हैं क्या है आंसर चावल उत्पादन में कहाँ सावित्री चावल उत्पादन में कहाँ चावल के मामले में तो कौन नंबर वन है पश्चिम बंगाल नंबर वन है ना और अगर हम बात करें चावल प्रति हेक्टेयर है ना प्रति हेक्टेयर सबसे ज्यादा चावल कौन उत्पादित कर उत्पादित करता है तो ये प्रति हेक्टेयर ये आपका होमवर्क है ये आप बताएंगे ठीक है चले मैम स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ है स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी दो जगह है दो जगह है ठीक है अभी दो जगह में हाल ही में स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का जो है स्थापना की गई है कोई बता सकता है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का है देखते हैं कौन बताता है चलिए तो आंसर आ रहा है यहाँ पे ए नहीं बिल्कुल गलत है इक्कीस सॉरी ए नहीं होगा सी होगा 21 मई ठीक है राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है भाई 21 मई को सेलिब्रेट किया जाता है ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद रखें ठीक है कब 21 मई को अच्छा बताओ 21 जुलाई को क्या सेलिब्रेट किया जाता है कोई बता सकता है 21 जुलाई को क्या सेलिब्रेट किया जाता है ठीक है तो ध्यान देंगे 21 जून जून को तो आप सभी को पता है अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को क्या अंतरराष्ट्रीय योग दिवस अंतरराष्ट्रीय योग दिवस योग दिवस है ना मनाया जाता है कब भैया 21 जून को मनाया जाता है ठीक है याद रखेंगे हम बात करते हैं गाइस 21 मई को 21 मई को इंटरनेशनल जो है टी डे भी सेलिब्रेट किया जाता है ध्यान रखेंगे चाय दिवस है ना विश्व चाय दिवस विश्व चाय दिवस भी मनाया जाता है कब 21 मई को ठीक है तो ये चीज आपको याद रखनी है चाय दिवस भी मनाया जाता है ठीक देखते हैं किसी ने आंसर किया है कि नहीं ठीक है अप्रैल इक्कीस अप्रैल को मैंने पूछा था क्या मनाया जाता है राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस है ना राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है यहाँ पे सिविल सेवा दिवस सेलिब्रेट किया जाता है 21 अप्रैल को याद रखेंगे इसको याद रखना है 21 जुलाई को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है कोई मुझे बता सकता है भैया कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है 21 जुलाई को है हाँ ना किसी को याद हो तो बता देना नहीं याद हो तो कोई बात नहीं आगे चलते हैं है हाँ ना चलिए तो आंसर होगा हमारा 21 मई ठीक है राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी दिवस यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है ठीक है आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए ये सब आप सभी को पता है देश में एकता शांति को बढ़ावा देने के लिए है ना इसके महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल इक्कीस मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस सेलिब्रेट किया जाता है तो ये चीज़ आपको याद रखनी है चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन टेंथ क्वेश्चन देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2023 कब मनाया गया चलो जल्दी से बताएंगे यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी डे कब सेलिब्रेट किया गया ये मेरी क्लास आंसर करे चलो ठीक है आंसर करेंगे जल्दी से देखते हैं भाई कौन कौन आंसर कर रहा है तो मेरा फ़ोन हैंग हो जाता है ना ये इसको बीमारी लग जाती है बीच बीच में है ना चलो सी आ रहा है मेरी क्लास का आंसर है ना तो 22 मई तो नहीं होगा भाई इसमें भी कंफ्यूज हो काहे गलत कर रहे हो ओहो ओहो बताया नहीं मैम कोई क्या कोई नहीं बताया चलो सी नहीं होगा भाई कहाँ पहुँच गए जैव विविधता दिवस बाईस मई को मनाया जाता है बायोडाइवर्सिटी डे 22 मई को सेलिब्रेट किया जाता है कहाँ थे कहाँ छः बाईस जून पे कहाँ पहुँच गए हो आप लोग है ना ध्यान रखेंगे तीन बाईस हैं तीन बाईस हैं ठीक है एक है बाईस अप्रैल इस दिन कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है जल्दी बताओ ठीक है एक है बाईस मार्च एक है बाईस मार्च ठीक है इस दिन कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है जल्दी बताओ देखते हैं कौन बता पाता है कहाँ कन्फ्यूज रहते खुद भी और मुझे भी करते हो तो ध्यान देंगे बाईस अप्रैल को पृथ्वी दिवस है ना पृथ्वी दिवस मनाया जाता है इंटरनेशनल अर्थ डे शूट किया जाता है अर्थ डे जो सेलिब्रेट किया जाता है यहाँ पर पृथ्वी दिवस ठीक है और यहाँ पर हम बात करते हैं गाइस 22 मार्च को क्या है जल दिवस जल दिवस है ना इंटरनेशनल वाटर डे सेलिब्रेट किया जाता है कब 22 मार्च को और 22 मई को जैव विविधता दिवस ये तीनों 22 बड़े कंफ्यूज करते हैं बच्चों को तो इसको याद रख लेंगे ठीक है चलिए <laughs> मैं मुझे याद था आपने सब में बाईस लिखा लिख रखा था मैंने सब में बाईस लिखा था बेटा इसी तरीके से एग्जामिनर पूछेगा वहाँ पे क्या एग्जामिनर से कहोगे भाई सब में बाईस मत लिखो है ना किसी एक में बाईस लिखो यही तो कन्फ्यूजन होता है ये बाईस मई है मंथ तो अलग है ना मंथ मई जून है ना ये मंथ तो अलग ही है ना तो आपको 22 मई याद रखना है जैव विविधता दिवस ठीक है 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस 22 मार्च को आपका वाटर डे ठीक है तो ये बहुत अच्छे से याद रखना आपको चलो चलते हैं आगे। ऐसे जैव विविधता समझौते से कार्यवाही तक जैव विविधता का निर्माण किसकी बायोडाइवर्सिटी डे की थीम है तो इसे याद रखना है ठीक है चलो एक क्वेश्चन क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ है ना चलो एक क्वेश्चन का आंसर करो पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ पाई जाती है हमारी पृथ्वी पर देखते हैं कौन आंसर करता है बाईस मार्च को बिहार दिवस बिल्कुल बिहार दिवस भी मनाया जाता है बाईस मार्च को बिल्कुल सही है ना लेकिन बिहार दिवस क्या है कोई नेशनल डे नहीं है ना वो तो भाई एक पर्टिकुलर राज्य का दिवस है है ना बिहार अपना स्थापना दिवस सेलिब्रेट करता है है ना कोई वो नेशनल या इंटरनेशनल डे तो है नहीं है ना तो हमें यहाँ पर याद क्या रखना है विविधता दिवस हमें बहुत अच्छे से याद रखना है अगर आप कोई बिहार की परीक्षाएँ दे रहे हो तो वहाँ के लिए वो पॉइंट अच्छा है बाईस मार्च चलिए देखते हैं हम ग्यारहवां क्वेश्चन अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस देखो आ गया ना अभी तो पी पीछे ही मैंने आपको बताया था तो भैया चाय दिवस कब मनाया जाता है टाइम नहीं वेस्ट करेंगे इक्कीस मई को है ना इंटरनेशनल जो है टी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है 21 मई को सेलिब्रेट किया जाता है क्यों टाइम बर्बाद करें पीछे बता के निकल चुकी हूँ मैं चलिए ओके 21 मई को यहाँ पे जो है मनाया जाता है देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन बारवा संघाई में तीरंदाजी ठीक है तीरंदाजी अंदाजी विश्व कप चरण दो चरण दो में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं हमारे प्यारे भारत ने भैया कितने गोल्ड ले गया है किसमें तीर अंदाजी में तीरंदाजी विश्व कप कहाँ हो रहा है ये भी याद रखना है कहा हो रहा है भैया शंघाई शंघाई कहाँ पर है शंघाई कहाँ है चीन है ना चीन में चल रहा है ये जो है कप है ना आयोजन चीन में हो रहा है तो याद रखेंगे यहाँ पर भारत कितने जो है गोल्ड ले गया है इसके चरण सेकंड में तो भाई कितने गोल्ड ले गया है चलो बाईस में नहीं होगा सावित्री इक्कीस में होगा टी डे इक्कीस में होगा चाय दिवस इक्कीस मई होगा लिख लो उसको ठीक है तीन सावित्री कर रही है तीन देवेंद्र कांसर अरे सी बिल्कुल सही है वेरी गुड है ना तो भैया तीन अरे काहे इरेजर आ गई हो है ना तो तीन तीन गोल्ड ले, ले गया भारत ठीक है तो बस ये थोड़ा सा याद रख लेंगे और इसमें डीप जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है कोई भी आवश्यकता नहीं है डीप जाने की चले शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप में है ना यहाँ पे स्टेज टू में किशोर भारतीय तीरंदाज प्रथम मेष ठीक है प्रथ प्रथमेश जावरकर ने नीदरलैंड के मतलब किसी को हराकर उनका नाम जरूरी नहीं याद करके है ना यहाँ पर क्या है पुरुषों के व्यक्तिगत कमांड वर्ग में पहला ठीक है विश्व कप स्वर्ण पदक जीता है ठीक है तो इन व्यक्ति का नाम याद रख लेंगे भारत के हैं ये ठीक है चले ओके और यहाँ पे ऐसा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है चलो चलते हैं आगे अगला क्वेश्चन क्वेश्चन देखते हैं हमारा है ना करते हैं। चलो, दो जगह स्थापना हुई है। चलो एक तो हैदराबाद हो, दूसरी कहां पर है जल्दी बताओ तो जरा चलिए देखते हैं कौन सा राज्य मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना है ना मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत तीर्थ यात्रियों के लिए हवाई यात्रा प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है है ना तो भैया एक योजना है मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन तीर्थ दर्शन योजना ठीक है उसके तहत जो तीर्थ यात्री होंगे उनको हवाई यात्रा मतलब एरोप्लेन से फ्लाइट से यात्रा कराने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है कौन सा ठीक है बहुत अच्छी बात है इस बहाने लोग क्या है फ्लाइट में भी बैठ लेंगे है ना चलो कौन कौन बैठा है तुम लोगों में से फ्लाइट में बताओ जरा कौन कौन तुम लोगों में से फ्लाइट में बैठा है देखते हैं कोई बता कौन कौन बैठा है पता चले हमारी क्लास में है ना महेंद्र कुमार गुड मॉर्निंग महेंद्र वेरी गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग डियर क्लास को लाइक एंड शेयर करते जाओ है ना चलो कोशाम्बी से हैं कोशाम्बी डिस्ट्रिक्ट से ओके भाई वेलकम वेलकम गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग चलो यूपी है मैम अयोध्या नहीं भी अच्छा आंसर कर रहे हो उत्तर प्रदेश आंसर तो होगा भाई यहाँ पे मध्य प्रदेश ठीक है मुख्यमंत्री तीय दर्शन योजना किसकी थी एम पी की है ठीक है तो याद रखें किसकी है भाई मध्य प्रदेश की है गुजरात गुजरात कुछ नहीं होगा यूपी यूपी यूप नहीं होगा मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है भोपाल है ना भोपाल है तो ये कैपिटल इसकी याद रख लेंगे ठीक है यहाँ पे कुछ डायमंड उत्पादन में आपको पता ही है एमपी नंबर वन है सोयाबीन उत्पादन दाल उत्पादन इन सब में क्या है एमपी नंबर वन है ठीक है तो ये चीज़ आपको याद रखें डायमंड उत्पादन क्या है मतलब डायमंड की यहाँ पे पन्ना की खाने पाई जाती हैं तो सबसे ज़्यादा हीरा यहीं से यहीं के खानों से पाया जाता है ये चीज़ तो हम पढ़ते ही है ना तो ये चीज़ आप लोग याद रख लेंगे ठीक है चलिए ओके okay, तो तीर्थ दर्शन योजना इन्होंने शुरू की है तीर्थ यात्रियों में 22 पुरुष और 8 महिलाएं शामिल हैं ठीक है जो तीर्थ यात्री हैं उनमें 22 पुरुष और 8 महिलाएं शामिल होंगी तो ये चीज़ थोड़ा सा हालांकि नहीं जाना अगर आप एमपी का एग्ज़ाम दे रहे हो तो तो ये इंपॉर्टेंट है वरना बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है इसके बारे में कुछ भी बस योजना याद रखनी है मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना उसने पहली बार क्या किया है हवाई यात्रा से तीर्थ यात्रियों को ले जाने का निर्णय लिया ठीक है तो पहला राज्य बन गया बस ये इंपॉर्टेंट है चलिए तो भाई अब आते हैं आपके स्टैटिक वाले पोर्शन पे है ना स्टैटिक वाले पोर्शन पे उसको कवर करते हैं पन्नों की खान नहीं है पन्ना की खान है पन्ना पन्नों की नहीं ठीक है थीके? एक बार बच्चे में पानी पी लूँ जरा है ना बोलते बोलते गला सूख जाता है चलिए तो अब आते हैं हम स्टैटिक वाले पोर्शन पे ठीक है चलो तो क्लास को लाइक और शेयर करते जाओ जिसने भी लाइक नहीं किया एक बहुत ही स्वीट सा लाइक करो है ना आपके जैसा स्वीट है ना जैसे आप स्वीट स्वीट हो ना एकदम मिठाई जैसे वैसे एकदम प्यारा सा लाइक कर दो और शेयर कर दो है ना अपनी एक कृपा गुरु पे कर दो है ना गुरु दक्षिणा में की क्लास को शेयर करते जाओ और जो भी प्लेटफॉर्म पे नए हैं सब्सक्राइब ये छोटा छोटा काम करो चलो ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया तो भैया हॉकी कब शामिल किया गया 1928 के एम्सटर्डम है ना एम्स्टरडम कहाँ है हॉलैंड है ना हॉलैंड के ओलंपिक में ठीक है हॉलैंड हॉलैंड किसका नाम है हॉलैंड किसको कहते थे आज हॉलैंड किसको किस कंट्री को कहते हैं हॉलैंड किसी को पता है आज किसको कहते हैं और ये बता दो जरा हॉकी हॉकी हाँ किसका राष्ट्रीय खेल है है ना हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है ज़रा बताओ मैम जी बिल्लो रानी कहाँ है अरे ये सो रही है बिल्लो रानी देखो ये यहीं पे ये मतलब कहीं नहीं जाती आ जाओ बिल्लो रानी ये देखो ये पैरों के पास सोई पड़ी रहती है देखो दिख रही है <laughs> पैरों के ही पास रहती है ये अब मैं पढ़ाती हूँ ना मैं बार बार नीचे देखती हूँ इसीलिए देखती हूँ कहीं ये कुचल ना जाए <laughs> ऐसे मैं इधर आती हूँ ना तो मेरे पीछे पीछे इधर आएगी फिर इधर जाऊँगी तो इधर आएगी पीछे पीछे ऐसे पीछे पीछे चलती चलती फिर आराम से एक जगह लेट जाएगी ये इसका काम रहता है चलो ठीक है तो देखते हैं भारत का वेरी गुड है ना भारत का जो हमारे भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी तो याद रखेंगे ठीक है 1928 के एम्स्टरडम होलैंड में ओलंपिक में जो है खेलों में हॉकी को शामिल किया गया है हॉलैंड आज का नीदरलैंड है ना हॉलैंड क्या है आज के नीदरलैंड की बात हो रही है तो याद रखेंगे ठीक है चलो शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया था तो भाई सासाराम बिहार में यहाँ से बड़ा ही क्वेश्चन बनता है शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया था बिहार के सासाराम में बिहार के सासाराम में ही इनका एक अष्टभुजीय मकबरा है है ना पूछा जाता है कि भारत का एकमात्र अष्टभुजीय मकबरा कहाँ पर है सासाराम में है है ना भारत का एकमात्र झील के बीचों बीच में मकबरा कहाँ है सासाराम में क्या नाम है क्या नाम है इनके मकबरे का कोई बता सकता है ठीक है तो शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है कुछ नाम नहीं है सासाराम में है याद रखेंगे इसको अष्टभुजिया ठीक है अष्टभुजिया यानी अष्ट भुजाओं वाला अष्टकोणीय अष्टकोणीय बोल सकते हैं हम अष्टभुजाओं वाला है ना अष्टकोण वाला मकबरा है जो झील के बीचों बीच में है ठीक है झील एक झील है है ना तालाब उसके बीचों बीच में है तो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं शेरशाह सूरी का ठीक है चलिए क्रिकेट इंग्लैंड का है बिल्कुल वेरी गुड चलो ओके हेलो बिल्लो रानी हेल, बेचारी बिल्लो रानी हेलो बोल नहीं सकती ना नहीं तो वो अभी आगे पीछे घूम रही है ना वो मेरे से माइक भी छीन लेती कि तू हट जा साइड में मैं ही पढ़ाऊंगी बच्चों को है <laughs> ना बेचारी मजबूर है बोल नहीं पाएगी न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी तो भाई जेम्स चैडविक ने की थी है ना जेम्स चैडविक ने की थी ये आपको पता ही होगा मैंने आपको छोटा सा बताया था ईटा पर नाच है ना ईटा पर नाच देखो ईटा पर नाच है ना ईटा पर नाच बताया था मैंने आपको तो e से हो गया इलेक्ट्रॉन टा से हो गया थॉमसन है ना थॉमसन ठीक है ने इसकी खोज की थी तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी भैया थॉमसन ने की थी याद रखेंगे पर पर से हो गया प्रोटॉन, है ना और यहाँ पे आर से हो गया एक तो रदरफोर्ड, पहले आ जाता था रदरफोर्ड का रदरफोर्ड है ना रदरफोर्ड का नाम आता था इसीलिए ट्रिक बनी थी ईटा पर नाच बहुत फेमस ट्रिक है अभी प्रेजेंट में बताओ रदरफोर्ड की जगह किस व्यक्ति का नाम यहाँ पर दे दिया गया है किसकी खोज के लिए ठीक है क्या तू हट जाओ हटो ठीक है तो यहाँ पे बताएंगे और नाच क्या है न्यूट्रॉन है ना न्यूट्रॉन की खोज किसने की है चैडविक ने ठीक है तो समझ में आ गया ईटा पर नाच का मतलब क्या है भाई चैडविक ने है ना एन नाच यानी एन से न्यूट्रॉन और चा से चैडविक यानी नाच ठीक है चैडविक ओके पर पी से प्रोटॉन रा से रदरफोर्ड लेकिन अभी नया नाम आया है यहाँ पे बताओ तो जरा ई से इलेक्ट्रॉन टा से थॉमस थॉमसन ठीक है तो यहाँ पे ईटा पर नाच ये ट्रिक है तो आपको इजीली याद हो जाएगा चलो ठीक है रदरफोर्ड तो पहले था अभी कौन है अभी कौन है इसकी प्रोटॉन की खोज करने वाला कौन है जल्दी बताओ नाम एक नाम नहीं बता सकते हो परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है तो सभी को पता है भारी पानी का है ना भारी जल का और ग्रेफाइट का भारी जल का सूत्र क्या है क्या होता है डी है ना भारी जल का सूत्र क्या है डी टू ओ है ना भारी जल का तो भैया भारी जल और ग्रेफाइट ग्रेफाइट आपने देखा होगा जो पेंसिल का लेड होता है पेंसिल 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 जो जो में में आगे में जो लिखते हैं ना वो ग्रेफाइट से बना होता है वो ध्यान रखेंगे ठीक है काला काला जो होता है तो ग्रेफाइट से ठीक है आपको सभी को पता है कार्बन का एक प्रारूप है ग्रेफाइट तो ये मंदक के रूप में काम करते हैं परमाणु रिएक्टर में मंदक यानी उसको ठंडा करने का काम करते हैं एक तरीके से ठीक है चले अरे किसी को नहीं पता भाई रदरफोर्ड की जगह है क्या क्या बच्चे हो मैंने पूछा है प्रोटॉन प्रोटॉन की खोज सभी को पता है हम लोग हमेशा से रदर पढ़ते थे लेकिन अभी हाल ही में एक और साइंटिस्ट का यहाँ पे नाम जोड़ दिया गया है रदर का नाम हटाकर है ना तो मुझे बताओ क्या नाम है चलो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है तो भाई ऑस्ट्रेलिया है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप क्या है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है सभी को पता होगा एनसीसी की स्थापना कब होती है तो 1948 में होती है ठीक है एनसीसी की स्थापना अमजद अली खान को कौन सा वाद्य यंत्र अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं तो भैया सरोद बजाते हैं और यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं अमजद अली खान को लेकर ठीक है सरोद भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है तो सभी को पता है जोग जलप्रपात या घरसोप्पा भी कहते हैं इसको जो किस पर है शरावती नदी पर है कहाँ पर है कर्नाटक में है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जोग जलप्रपात या घरसोप्पा भी कहते हैं या इसको महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं याद रखेंगे ठीक है जोग जलप्रपात घरसोप्पा जलप्रपात या महात्मा गांधी जलप्रपात भी जाना जाता है इसको है ना देश का सबसे ऊंचा है जलप्रपात है ना हालांकि इसमें बड़ा ही विवाद रहता है सबसे ऊंचा है कुणची कल कुंचल को भी कह देते हैं सबसे ऊंचा कुंची है ठीक है दोनों में बड़ा ही विवाद चलता रहता है तो फिर यहाँ पे एक निर्णय निकाला गया कि सबसे ऊंचाई से गिरने वाला एकदम स्ट्रेट जलप्रपात कौन सा है कुंची है लेकिन सबसे ज़्यादा कुछ ऐसे अंतर है इसमें ये क्या है सबसे ऊंचाई से तो गिरता है लेकिन स्ट्रेट नहीं गिरता ये थोड़ा सा अपने ढलान के साथ पर्वतों के साथ आ जाता है है ना तो ऐसे करके कुछ अंतर है इसमें है ना तो इसमें कन्फ्यूजन ही रहता है कुंचीकल और गरसोप्पा में हालांकि ये हाँ, ये तो एक ऐतिहासिक क्वेश्चन है बहुत पहले से पूछा जा रहा है लेकिन आजकल कुंचीकल को सबसे ऊंचा मान लिया गया कौन सा कुंचीकल जलप्रपात ठीक है चले ओके चलो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर नहीं दिया किसी ने भी ओहो चैडविक होगा ना चैडविक मैं यहाँ पे न्यूट्रॉन का पूछ रही हूँ न्यूट्रॉन का प्रोटॉन का नहीं मैं न्यूट्रॉन का पूछ रही हूँ प्रोटॉन अच्छा हाँ प्रोटॉन का पूछ रही हूँ प्रोटॉन का चैडविक चैडविक कहाँ से होगा चैडविक तो किसका है न्यूट्रॉन का है चैडविक कहाँ से चैडविक हो जाएगा थॉमसन किसका है इसका है भैया रदरफोर्ड के साथ कौन गोल्ड स्टीन आएगा कौन आएगा गोल्ड स्टीन कहाँ रहते हो कहाँ रहते हो चलो देखते हैं हम चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है तो भैया कितनी है अड़ यहाँ पे तीन लाख पिचासी हज़ार किलोमीटर जो है यहाँ पे चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी है तो याद रखेंगे ऐसे ऐसे डाटा से क्वेश्चन कम बनते हैं लेकिन बन भी जाते हैं और बन गए ना तो बेटा कोई सही नहीं कर पाता विश्व का सबसे कम जनसंख्या सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है तो वैटिकन सिटी है ठीक है सबसे कम जनसंख्या वाला देश वैटिकन सिटी अब कहाँ पर है वैटिकन सिटी ध्यान दे लो सबसे कम जनसंख्या वाला तो कहाँ पर है इटली ना? है ना इटली में ध्यान रखेंगे देखो इटली कुछ इस तरीके से आपको पता है ऐसे लंबा लंबा सा इटली है ठीक है इस इटली में ही यहाँ पर देखो देश के अंदर देश है ना? ये क्या है ना क्या देश के अंदर देश है वेटिकन सिटी ठीक है तो याद रखेंगे इटली में है ना ये क्या है सबसे कम जनसंख्या वाला है ये वेटिकन सिटी ठीक है विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश वेटिकन सिटी है कहाँ पर है इटली में है चलो ओके भारत में सोने की खान कहाँ है तो कोलार कर्नाटक में है ना कोलार कर्नाटक में हाँ गोल्ड उत्पादन में भी ध्यान रखेंगे कर्नाटक नंबर वन है है ना यहाँ पर सोने की खानें पाई जाती हैं कोलार की खाने चलिए भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं तो सभी को पता है बारह अनुसूचियाँ हैं अब ये बता दो मूल रूप से भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां थी है ना अभी तो बारह है लेकिन मूल रूप से कितनी थी जरा बताओ तो ओके okay. सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है तो वही 1.3 पॉइंट सेकेंड लेता है ठीक है सूर्य का प्रकाश पड़ता है चंद्रमा पर और फिर चंद्रमा से पूछा जा रहा है यहाँ पे चंद्रमा से पृथ्वी पर है ना सफर करने में कितना टाइम लेता है तो कितना 1.3 पॉइंट सेकेंड का टाइम लेता है ठीक है चंद्रमा से पूछा जा रहा है यहाँ ध्यान रखना पन्ना मध्य प्रदेश की खान है किसके लिए प्रसिद्ध है हीरा के लिए अभी बताया था है ना चलो नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है तो भैया मिस्र कितनी बार बता चुके हैं नील नदी का उपहार है ना नील नदी का तोहफा आदि नामों से जानते हैं किसको मिस्र को जानते हैं मिस्र अफ्रीकन कंट्री है इसको इजिप्ट भी कहते हैं क्या कहते हैं इजिप्ट ठीक है इजिप्ट भी कहा जाता है याद रखेंगे पहले इसको इजिप्ट ही कहा जाता था है ना चलो इजिप्ट ठीक है आज भी आप देखोगे ना मैप वगैरह में आपको मिस्र लिखा हुआ नहीं मिलेगा इजिप्ट मिलेगा ठीक है इजिप्ट मिलेगा चलिए बल्ब का फिलामेंट बल्ब का फिलामेंट किस का बना होता है तो टंगस्टन का बना होता है ये तो सभी को पता होगा है ना ये तो बहुत ही कॉमन घिसे घिसाई क्वेश्चन है ये ये क्वेश्चन कैसे है भाई घिसे घिसाई क्वेश्चन है याद रखेंगे चलो ओके तो मैंने यहां कोई क्वेश्चन पुटअप किया था है ना? चलो ओके मैंने गुड मॉर्निंग चंदा यादव आज कई दिन बाद आई हो चंदा है ना गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन पुटप किया था किसी ने आंसर नहीं किया मैं भी क्वेश्चन भूल गई है ना मैं भी वो हाँ मैंने पूछा था मूल रूप से कितनी अनुसूचियाँ हैं तो आठ अनुसूची हैं एक क्वेश्चन का आंसर नहीं देते हो ये बच्चे है ना और मुझे भी बाद में क्वेश्चन भूल जाती तो कहते अरे मैडम भूल गई अच्छा है। भूल जाते भूल जाते हो है ना आठ अनुसूचियाँ थी मूल रूप से चार बाद में जोड़ी गई हैं गौतम बुद्ध तो द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है तो भाई महापरिनिर्वाण है ना इनकी देह त्याग की घटना कहलाती है मतलब जब ये प्राण त्यागते हैं अब ये बताओ जब गौतम बुद्ध अपने घर को त्यागते हैं उस घटना को क्या कहते हैं

कल परसों के सेट में मैंने शाम को जो मेरी साढ़े दस बजे अरे हाँ सुन लो शाम को साढ़े दस बजे मेरी क्लास होती है जी के जी एस का सेट वहाँ पे कराए जा रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग सेट होता है वहाँ पे आओ है ना अभी वहीं पे चारों संगति मैंने आपको कराई थी पूरे प्रॉपर तरीके से सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है तो भाई छः हजार डिग्री सेल्सियस ठीक है सूर्य की सतह का तापमान सवाना जो घास के मैदान है देखो घास के मैदान भी मैंने अभी शाम वाली क्लास में कराए थे वहाँ अफ्रीका में है ना वहाँ पर पूरे वर्ल्ड के घास के मैदान मैंने सारे ही कराए थे आपको ठीक है चलो महावी निष्क्रमण बिल्कुल सही वैरी, वैरी, वैरी है अमरीश वेरी 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 गुड है ना तो क्या कहेंगे महावीनिष्क्रमण कहेंगे देवेंद्र आप देखती नहीं हो दिए तो है मैम अच्छा ओके हो सकता है जैसे मैं आप पढ़ाने में बिजी हूँ ना तो कमेंट कई बार नहीं देख पाती ठीक है निष्क्रमण कहते हैं गृह त्याग की घटना को चलिए किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी तिहत्तरवें संविधान संशोधन में अब देखो ये क्वेश्चन भी मैंने रात को ही आपके जीके जी की क्लास में कराया है पूरा पूरी की पूरी वहाँ पर पूरी कुंडली निकाल के रख दी थी हमने पंचायतों की जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बन सकता था इतना भयंकर वहाँ पे एक्सप्लेन किया है इस क्वेश्चन को है ना तो भाई शाम वाला जो मेरी क्लास चल रही है उसको देख लिया करो अगर रात में लाइव नहीं आ सकते हो तो बाद में देख लिया करो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ मैं सियोरिटी के साथ कह रही हूँ एक बार जी के की क्लास मेरी कर लोगे ना एक महीने आप कहोगे कि अरे मैडम जी के के क्वेश्चन ही नहीं गलत होते ये क्या है मैडम ये तो बच्चे वाले क्वेश्चन है सारे कभी गलत नहीं होंगे क्वेश्चन है ना तो रात को अगर सो जाते हो कोई दिक्कत नहीं सुबह कर लिया करो उस क्लास को नो इशू चलो राष्ट्रपति यदि लाइव क्लास का क्या फायदा होता है कि आप लोगों को टाइम नहीं पता चलता है ना वैसे आप तो आलसीओ निकमें होकर हो करोगे हो नहीं है ना लाइव क्लास में क्या है टाइम नहीं पता चलता और आपकी क्लास भी हो जाती है चलो राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसे सौंपते हैं तो ये सभी को पता है उपराष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति किसको सौंपते हैं राष्ट्रपति को है ना चलो किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं तो ये सभी को पता है उत्तर प्रदेश में अस्सी सीटें हैं जल्दी बताओ उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं कोई बता सकता है उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं भगवान महावीर का जन्म कहां हुआ है तो भाई कुंड वैशाली में ये सभी को पता होगा कुंड वैशाली में भगवान महावीर का जन्म होता है 540 ईसा पूर्व है ना चले ओके तो यहीं पे होती है हमारी क्लास खत्म है ना यहीं पे क्लास खत्म होती है जिसने भी लाइक नहीं किया है क्लास को एक बहुत ही स्वीट सा लाइक कर दो एक बहुत ही स्वीट सा शेयर है ना गुरु दक्षिणा में शेयर कर दो ठीक है और बेल आइकन प्रेस कर लेना क्या करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे ठीक है हमारे तीन प्लेटफॉर्म है गाइस सरकारी परीक्षा ऑफिशियल जहां पे आप मुझे देख रहे हैं इस समय है ना सरकारी परीक्षा डिफेंस एग्जाम ठीक है और सरकारी परीक्षा स्टेट एग्जाम गाइस यहाँ पर अभी वीडियो का कोर्स लॉन्च किया गया है जो वीडियो वगैरह के एग्जाम दे रहे हैं वो यहाँ पर क्या है क्लास ले सकते हैं ठीक है थीके? हमारा टेलीग्राम चैनल है इसको आप ज्वाइन कर लेंगे यहाँ पर बहुत सारे आपको क्विज वगैरह मिल जाएंगे और पीडीएफ भी एफ भी मिल जाएंगे ठीक है चलिए ओके ठीक है तो याद रखेंगे इसको ओके तो गाइस शाम को शाम को ध्यान रखना साढ़े दस बजे मेरी क्लास होती है ध्यान रखेंगे टेन थर्टी अरे क्या थर्टी टेन कर रही हूँ मैं मेरा भी दिमाग चल गया टेन थर्टी पी है ना मेरी रोज़ शाम को क्लास होती है रोज़ शाम को साढ़े दस बजे जी के जी का भंडारा लगाया जाता है, है ना तो भंडारा खाने प्लीज़ मेरी तरफ से इन्वाइट हो जरूर आना ठीक है शाम की क्लास में ज़रूर आया करो ओके चलो बाय बाय मैम बाय बाय भाई बाय बाय है ना क्या हो गया भाई चंदा क्या सोच रही हो थैंक यू मैम जी ओके वेलकम वेलकम है ना तो यहीं पे अब मेरे को आपसे विदा लेनी पड़ेगी है ना क्योंकि ज़्यादा लंबी क्लास हो जाती है तो जो बच्चे बाद में देखते हैं ना वो घबरा जाते हैं अरे मैडम ने आज इतनी लंबी क्लास क्यों ले ली है ना बातें तो चलती रहेंगी बीच बीच में हम लोग करते ही रहते हैं यहीं पर मैं आपसे विदा लेती हूँ आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो है ना अपना ध्यान रखो अपनी हेल्थ का है ना एकदम खाओ पियो स्वस्थ रहो मस्त रहो बिंदास रहो और मेरी क्लास को शेयर करते रहो ठीक है चलिए तो यहीं पर विदा लेते हैं बाय बाय टाटा टेक केयर है ना ओके जय हिंद जय भारत